व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेल्स पैराडाइज एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो हम व्यूअर्स को बताती है कि उसके फादर एक पनिशर थे और सागिरी ने बचपन से ही बिहेडिंग के पनिशमेंट को देखा है, क्योंकि ये उसके क्लैन का एक पुराना रिचुअल की तरह था, जहां एक ऐसी बिहेडिंग सीखनी होती है जिससे एक ब्लो में गर्दन काट दी जाए, लेकिन एक्यूज्ड को एक पेनलेस डेथ मिले। फिर सागिरी बड़ी हो जाती है, जहां वो एक आदमी को बिहेडिंग की पनिशमेंट के लिए एग्जीक्यूटर बनती है, जहां वो उस क्रिमिनल का सर उड़ा देती है और आसपास के लोग सागिरी की तारीफ करते हैं कि उसने एज अ वुमन होने नाते बिहेडिंग को अच्छे से किया, जहां सागिरी उन्हें थैंक्स बोलती है। और तभी सागिरी को डर लगने लगता है, जैसे कि वो डेड बॉडी सागिरी के ऊपर चढ़ रही हो। तभी सागिरी के मास्टर सागिरी को कॉम करते हैं और बोलते हैं कि स्वॉर्ड्समैनशिप में डाउट और डर नहीं होना चाहिए, जहां सागिरी बोलती है हाँ मैं इस पे काम करूंगी। फिर दोबारा सागिरी को दिखाते हैं जहां वो एक और एक्यूज्ड को बिहेडिंग करती है और पहले की तरह बिहेडिंग के बाद वो डरने लगती है। फिर सागिरी के मास्टर बोलते हैं कि अपने ब्लेड की तरफ देखो, वहां तुम्हें सच्चाई दिखेगी। जहां सागिरी देखती है उस ब्लेड के रिफ्लेक्शन से उस एक्यूज्ड के हेड को, जहां सागिरी बोलती है कि जब भी बिहेडिंग का टाइम होता है मुझे डर लगने लगता है, मुझे डाउट होता है कि मैं कैसे इस चीज़ को हटाऊं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां एक समुद्र के किनारे एक कैंप जैसी जगह कई सारे क्रिमिनल्स को लाया गया था और उनके फेस को छुपा दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वहां हमारे गाबी मारू भी होते हैं सागिरी के साथ। फिर एक आदमी बोलता है कि तुम सबके आने का शुक्रिया, और जो आपके सामने बैठे हैं वो हैं ताइशोगुन। वैसे तो हम ऑडियंस को इनसे बात नहीं करने देते, पर ये एक स्पेशल केस है तो तुम्हें चांस दिया जा रहा है। जहां वो क्रिमिनल्स गुस्से में आ जाते हैं कि क्या बकवास चल रहा है ये। जहां सागिरी एक क्रिमिनल को देखती है जिसका नाम तानियो सैकिची होता है, जिसने पहले 30 लोगों को मारा था। फिर ऐसे ही सागिरी कई सारे क्रिमिनल्स को देखती है और उनकी स्टोरी पढ़ती है जो कि उसने अपने नोटबुक्स में लिखी होती है। फिर तभी वो शोगुनाटे का मैसेंजर बताता है कि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम शिनसेंग क्यों जाओ और उधर से एलिक्जर ऑफ लाइफ लेके आओ, और जो भी इसको लेकर आएगा उसको ऑफिशियली निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा इसके माफ़ी का। फिर तभी वहाँ एक क्रिमिनल हंस रहा होता है, जहाँ सागिरी उसे देखती है और सोचती है ये वही क्रिमिनल है जो सिर्फ मज़े के लिए औरतों और बच्चों को मार देता था। अगर मैं किसी एक ट्रूली ईविल पर्सन को बिहेड करूं तो शायद मुझे हेजिटेशन और डर नहीं लगेगा। तभी गाबी मारू काफ़ी बोर हो रहा होता है और पीछे से एक गर्ल क्रिमिनल गाबी मारू से बोलती है, क्या तुम ही गाबी मारू द हॉलो हो? तुम काफ़ी फेमस हो हमारी लाइन में, पर मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुम तो छोटे हो और अजीब से दिखते हो। जहाँ गाबीमारू उसी गर्ल क्रिमिनल से बोलता है सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। जहाँ सागिरी ये देखती है कि गाबीमारू एक क्रिमिनल जैसा बिहेव नहीं करता, ये दूसरों से अलग है, पर क्या पता ये सिर्फ एक नाटक कर रहा हो और असलियत में ये एक ईविल पर्सन हो, जैसे कि रूमर्स हैं इसके बारे में। तभी वो मैसेंजर बोलता है जिस जगह पर तुम जाने वाले हो वो एक पैराडाइज जैसा है, जहाँ क्रिमिनल सोचते हैं कि क्या फेरी टेल सुनने को मिल रही है ये। जहाँ मैसेंजर के बगल वाला आदमी सभी क्रिमिनल्स को अपने फेस से मास्क हटाने को बोलता है और वही मैसेंजर उधर एक आदमी को लाता है जिसके बॉडी पर फ्लावर्स उगे होते हैं। फिर मैसेंजर बोलता है यही एक आदमी था जो कि वापस लौट के आया, वो भी जिंदा। जैसा कि तुम सब देख सकते हो कि अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहा, जब ये वापस आया था तो इसके बॉडी पर कई सारे लम्स लगे हुए थे और फिर वो लम्स फटने लगे और फ्लावर्स उड़ने लगे इसकी बॉडी से, और हमारे 60 लोग अभी भी गायब हैं, हमें नहीं पता उधर क्या होता है। तो यही हमारा एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। जहां वो कुछ क्रिमिनल्स बोलते हैं कि अगर इतना खतरनाक है ये आइलैंड तो हम क्यों जाएं उधर। जहां मैसेंजर बोलता है तुमने हमारे लिए ये काम किया तो तुम्हें पैराडाइज मिलेगा। जहां एक और गर्ल क्रिमिनल मैसेंजर से बोलती है कि क्या होगा अगर हम उधर जाएं और उधर एलेक्जर ऑफ लाइफ ना हो तो, क्योंकि तुमने ही बोला था कि तुम्हारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस आइलैंड की। जहां मैसेंजर बोलता है कि तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये एक वॉलेंटरी टास्क है। तभी क्रिमिनल वहां से उठकर जाने लगता है और सागिरी का मास्टर उधर आके तुरंत उसकी गर्दन उड़ा देता है, जहां सारे क्रिमिनल्स शॉक हो जाते हैं और मैसेंजर बोलता है कि तुम यहां से खुद से जा नहीं सकते, तुम भूल रहे हो तुम अभी भी क्रिमिनल्स हो, तो अगर कुछ भी बिना परमिशन के काम किया तो ऑन द स्पॉट तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। यामाडा असाइमोन यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तुम्हारी, कुछ नहीं चलाकी मत करना। ये यामाडा क्लैन से हैं, इनके खिलाफ जाना यानी मौत को दावत देना। तो अगर तुम्हारा बाई चांस तुम्हारा मॉनिटर मारा जाता है तो तुम्हें एक्यूज माना जाएगा और तुम्हें तुरंत बिहेड कर दिया जाएगा, और अगर मॉनिटर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम्हें अलाउ नहीं होगा वापस आना। हाँ, और एक बात, शिप की कैपेसिटी लिमिटेड है तो हम तुम सारे क्रिमिनल्स को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि असाइमोंस भी शिप में आएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अपने नंबर्स घटाने होंगे।
जहाँ ये क्रिमिनल्स इसी बात को समझ नहीं पाते, तभी पीछे से एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को गला दबा के मार देता है और बोलता है कि नंबर घटाने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को मारना होगा। जहाँ मैसेंजर कहता है, वैसे भी जो जल्दी मर जाएंगे वो हमारे लिए यूजलेस ही हैं। तभी सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे का लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। जहाँ सागिरी गाबी मारो की तरफ देख रही होती है, वो चुपचाप बैठा होता है। फिर शोगुनाटे मैसेंजर से कहता है कि यही केओस तो देखना चाहता था मैं, मुझे मज़ा आता है ऐसे लड़ाइयाँ देखना जहाँ लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। वैसे रेड सील वाले कौन कौन है इसमें से? जहाँ दूसरा मैसेंजर बोलता है कि हाँ, मेरे पास लिस्ट है जहाँ इन क्रिमिनल्स में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रेड सील का निशान है उनके बॉडी में, जिसका मतलब होता है कि उनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, वो थोड़े से सुपर नेचुरल हैं, जिसमें वो येलो हेयर वाला क्रिमिनल्स भी है। ये यंग एज से ही छोरों के ग्रुप का लीडर था। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की जो कि सागीवा कैसल के इन्वेजन में इन्वॉल्व थी, ये कुनोइची है जिसने उस कैसल के हर एक बंदे को मार दिया था। और वो बड़ा सा आदमी जिसके लंबे बाल हैं, ये एक स्वॉर्ड्समैन मास्टर है जिसे लोग ब्लेड ड्रैगन कहते हैं। और वो जो आदमी सो रहा है वो एक जाइंट आदमी है जिस पे किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, ये बहुत पावरफुल है। पर इन सब में सबसे नोटिसेबल पर्सन एक लिविंग लेजेंड गाबीमारु द हॉलो है। जहाँ शोगुनाटे कहता है पर ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो चुपचाप खड़ा हुआ है। और सागिरी भी यही देखती है कि गाबीमारु सिर्फ खड़ा हुआ बस देख रहा है सबको। फिर सागिरी के मास्टर एजेन आते हैं और वो बोलता है अगर तुम्हें ये सब ब्रूटल लग रहा है तो भूलना मत कि वो आइलैंड इससे भी ज़्यादा ब्रूटल होगा। इन क्रिमिनल्स को क्या तुम मार पाओगी? सच बताऊँ तो तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो। एक औरत को क्या ज़रूरत है ये स्वॉर्ड चलाने की? तुम एक वॉरियर की बेटी हो तो तुम्हें अपनी मैंशन में ही रहना चाहिए जिससे तुम एग्जीक्यूशनर ना बन पाओ और तुम सेफ और साउंड रहो। जहाँ सागिरी गहरी सांस लेती है और बोलती है मैं आपकी बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ पर जो आज मैं हूँ वही बनना चाहती थी। बचपन से ही मैंने बॉडीज़ पर स्वॉर्ड को टेस्ट किया है, क्रिमिनल्स की बेहडिंग की है, लाशों से मेडिसिन भी बनाते हुए देखा है। यामाडा क्लैन ऐसा ही है, यहाँ दूसरों को मार कर अपना जीवन जिया जाता है और दूसरों की डेड बॉडी से ही अपना घर चलता है। चाहकर भी तुम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। वैसे भी ब्लेड के रिफ्लेक्शन से सच्चाई दिखती है और हम देखते हैं कि सागिरी के बचपन में कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे पत्थर मार रहे थे। जहाँ सागिरी चुप जाती है और वो देखती है कि उसके हेड से खून निकल रहा है। जहाँ वो अपने मॉम के पास जाती है सेफ फील करने के लिए, पर बाद में उसे स्वॉर्ड उठाना ही पड़ता है क्योंकि यही उसकी डेस्टिनी है। तभी एक सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एक क्रिमिनल सागिरी को देखकर बोलता है कि हम ऐसे नहीं लड़ सकते, हमें उस लड़की की स्वॉर्ड को लेना होगा और उसे मारना होगा, तभी हम यहाँ से भाग सकते हैं। तभी सागिरी अपनी तरफ उन क्रिमिनल्स को आते हुए देखती है और एजेन बोलता है कि क्या तुम इन्हें मार सकती हो? जहाँ सागिरी मन में सोचती है वो चाहकर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती और शायद अब उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी सागिरी उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए रेडी हो जाती है पर वो हेजिटेट करती है, बट स्टिल वो अपनी स्वॉर्ड से एक एक का गला काटना स्टार्ट कर देती है। फिर सबको मारने के बाद उसे फिर से डर लगने लगता है और वो सोचती है कि सारी डेड बॉडीज उसके ऊपर चढ़ रही हैं। तभी गाबीमारु कहता है कि लोगों को मारना अच्छा नहीं होता, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? जहाँ सागिरी शॉक होती है कि गाबीमारु शोगुनाटे के मैसेंजर से बोल रहा है और आसपास पूरा सन्नाटा छा जाता है। जहाँ गाबीमारु मैसेंजर से बोलता है कि हम मर्डरर्स हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारें, मैं आपको करने नहीं दे सकता। जहाँ मैसेंजर बोलता है कि इस क्रिमिनल का मॉनिटर कहाँ है। जहाँ गाबीमारु कहता है रुक जाओ, लोगों को मारने की ज़रूरत है क्या, जबकि मौत को सबसे नेचुरल चीज़ है दुनिया की। जहाँ सागिरी ये बात ध्यान से सुन रही होती है और मैसेंजर गाबीमारु से कहता है कि अपना ज़ुबान संभाल कर बात करो, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो भूल जाओ कि तुम्हें ऑफिशियल पार्डन नहीं मिलेगा। फिर तभी ये मैसेंजर एक दूसरे क्रिमिनल को बोलता है कि अगर तुम्हें इस क्रिमिनल यानी गाबीमारु को मार दिया तो मैं तुम्हें उस आइलैंड पर भेज दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन डायरेक्टली दे दूंगा। जहाँ एक क्रिमिनल एक पत्थर उठाता है और गाबीमारु को मारने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ गाबीमारु कहता है कि ओए सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे एक दूसरे को नहीं मार सकते, ये पॉइंटलेस है। जहाँ क्रिमिनल बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है। जहाँ गाबीमारु कहता है मैं लड़ना नहीं चाहता। जहाँ क्रिमिनल कहता है कि अगर तुम नहीं लड़ना चाहते हो तो चुपचाप मर जाओ। जहाँ गाबीमारु कहता है लगता है मेरे पास अब कोई चांस नहीं बचा, अगर तुम्हें मुझे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ वो क्रिमिनल कहता है मुझे लगा शायद तुम नहीं लड़ना चाहते। जहाँ गाबीमारु कहता है हाँ मैं नहीं लड़ना चाहता पर मैं मरना भी नहीं चाहता, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जहाँ गाबीमारु उस क्रिमिनल के पास आता है और बोलता है ये बहुत बेकार है पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर तभी हम देखते हैं कि गाबीमारु उस क्रिमिनल के नेक पर वार करता है और उसे मार देता है। जहाँ उधर के सारे क्रिमिनल्स डरने लगते हैं
और तभी गाबीमारू एक एक क्रिमिनल को मारना स्टार्ट कर देता है और शाम होने लगती है। तब गाबीमारू एक एक को चीरने फाड़ने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। ये चीज़ शोगुनाटे देखता है और वो मैसेंजर भी ये बोलता है कि ये कैसे मॉन्स्टर है जहाँ सबकी फट जाती है, और जहाँ दूसरा मैसेंजर कहता है कि एक हॉलो है जहाँ सागीरी गाबीमारू को अपने स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन से देखती है, वो एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है, जहाँ सागीरी के पसीने छूटने लगते हैं, जहाँ एजिन कहता है इसका लड़ने का तरीका काफ़ी ब्रूटल है, जहाँ गाबीमारू कैंप के पास आता है और बोलता है क्या अब मुझे अप्रूवल मिलेगा, जहाँ सागीरी गाबीमारू को देखती है और हैरान होकर सोचती है कि क्या मैंने जो लोगों को मारा है क्या मुझे उसकी माफ़ी मिलेगी या फिर मुझे भी इस बर्डन के साथ जीना होगा, जहाँ सागीरी रोने लगती है और एजिन बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ सागीरी एजिन से बोलती है कि नहीं मैं इसे एक दिन मार दूंगी। तभी मैसेंजर कहता है कि जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो इधर ही लड़ाई को छोड़ दो, क्योंकि तुम बचे हुए क्रिमिनल्स उस आइलैंड पर जाएंगे, जहाँ मैसेंजर सब क्रिमिनल्स के एक एक करके नाम लेता है कि कौन कौन बचा है और कौन कौन उस आइलैंड पर जाएगा। पहले आजा चोबे द बैंडिट किंग, तामिया गेंटेट सुसाई द स्वॉर्ड ड्रैगन, ट्विस्टेड क्यून द हंटर, नूरुगाई ऑफ द सांका, होरुबो द किलिंग प्रेयर, गाबीमारू द हॉलो, अकागिनू द कैनिबल, कुनोइची युजुहिरिहा ऑफ केशो, मोरोमाकिया द एपोस्टेट, रोकुरोता द जायंट। तुम 10 क्रिमिनल वहाँ जाओगे और तुम्हारे साथ यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर भी जाएंगे। तुम्हें एक बोट मिलेगी और तुम्हें सदर्न सी के तरफ ले जाया जाएगा और तुम्हें एलेक्जर ऑफ लाइफ को ढूंढ कर लाना होगा। इसे ढूंढ कर लाओ और आज़ादी लो। फिकर मत करो, तुम सब जाओगे सिनशेनक्यो द पैराडाइज हेवन, उधर कोई खतरा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स और एग्जीक्यूशनर एक बोट पर होते हैं और वो सब एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं, जहाँ गाबीमारू भी इस आइलैंड को देखता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसे किसी रॉम कॉम या फिर एक्शन थ्रिलर से बने एनिमे कंटेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या एनिमे एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।